हे गाइस, मेरा नाम दीपाली पौनीकर है और आज फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू जनरेट अ रिपोर्ट, दैट इज सिविल रिपोर्ट फॉर पॉइंट फॉर अलाइनमेंट फॉर सरफेस। बट उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दैट इज़ www.civilnotes.com। लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। सो लेट वी स्टार्ट इट। सबसे पहले हमको ड्राइंग की सेटिंग करनी होगी, ड्राइंग में यूनिट हमको डालने होंगे। सो हमारी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ड्राइंग सेटिंग्स का। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने ये ड्राइंग सेटिंग्स के बारे में बताया था, होप यू रिमेम्बर दैट। एंड ड्राइंग सेटिंग में हम लोग सबसे पहले मीटर में, मुझे मीटर में काम करना है तो मैं मीटर में जाऊंगी। एंड ये डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनल फ्लूइड में रहेगा, कस्टमाइज कर देती हूँ मैं 1:1000 पे। देन जोन हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंडिया, मैं इंडिया में तो इंडिया में सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग जिस भी जोन में हो आप सिलेक्ट कर सकते हो उसमें। देन जोन अवेलेबल कौन से कॉन्टिनेंट में, हम लोग 44 में हूँ मैं इंडिया, 78-84 ईस्ट UTM 44 में हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली इंडिया 44 ले लिया है। अप्लाई एंड ओके। ओके सो हमें सबसे पहले हमको हमारी जो पॉइंट की शीट है हमको पॉइंट जनरेट करने होंगे, तभी हम लोग सिविल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए। सो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स की रिपोर्ट जनरेट करें, पॉइंट जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें टूल बॉक्स में पॉइंट पे राइट क्लिक करना होगा, क्रिएट ऑप्शन पे जाके इम्पोर्ट पॉइंट, जो दो एरो है उसको बंद कर देना। देन उसके बाद इंपोर्ट पॉइंट में जाएंगे, इंपोर्ट पॉइंट में सिलेक्ट फाइल्स में हमारी ये फाइल जो हम लोग पॉइंट्स डाल रहे हैं, इसके पहले के वीडियो में मैंने यही फाइल यूज़ की थी, आज भी मैं यही फाइल यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को बहुत ईजी जाएगा, किसी भी कोई भी जो लोग सीख रहे हैं सिविल 3D उनके लिए बहुत ही ईजी जाएगा ये। सो हमारी ये जो फाइल रहेगी वो CSV में होना चाहिए, कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में कन्वर्जन होना चाहिए। न्यू पॉइंट्स एंड ओपन इट। ओके आफ्टर दैट वी हैव टू चूज अ स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट। मैं यहाँ पे चूज करती हूँ PNEZD कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल। ओके देन ऐड पॉइंट टू ग्रुप, पॉइंट ग्रुप इसमें एक नाम प्रोवाइड कर देती हूँ मैं, पॉइंट्स नाम दे देती हूँ इसको। ओके ये हमारा पॉइंट्स नाम ले लिया है उसने, ओके कर देंगे। ये देख सकते हो आप ये टूल बॉक्स के नीचे में, टूल स्पेस के नीचे में हम लोगों ने पॉइंट जनरेट कर दिए है, बट हमें ये पॉइंट दिख नहीं रहे, तो हमें जूम जेड कमांड लाइन में हमें जेड एंटर ई एंटर प्रेस करना होगा, तो हम लोगों को ये पॉइंट दिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो हम लोगों ने ये पॉइंट जनरेट कर दिया है, अभी हमको ये पॉइंट की सिविल रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो टूल स्पेस है यहाँ से हम लोग जो हमारा मेन्यू बार है उसमें से टूल स्पेस को बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। सो ये हमारा सबसे पहला प्रोस्पेक्टर टैब है, देन सेटिंग टैब है, सर्वे टैब, हमारा सबसे लास्ट वाला टैब है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जाके हमको रिपोर्ट मैनेजर में ये जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। देन वहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट कॉरिडोर पार्सल पाइप्स एंड पॉइंट्स करके, तो पॉइंट्स में हमें पॉइंट्स की रिपोर्ट जनरेट करना है, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। सो पॉइंट्स की CSV रिपोर्ट जनरेट करना है हमको, पॉइंट लिस्ट जनरेट करना है, तो पॉइंट लिस्ट पे क्रिएट कर्सर रखेंगे। देन उसके बाद उसमें क्लिक करने के बाद उसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी ये एक्सपोर्ट टू XML रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से हम लोग यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी सभी पॉइंट डिफ़ॉल्ट ले लेता है, जैसे पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ऑल पॉइंट, सरफेस अलाइनमेंट, जो भी हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं वो सभी ले लेता है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्टली। देन स्पेसिफाई लैंड XML वर्जन, आपको किस वर्जन में जनरेट करना है, जैसे 1.1 में, 1.2, 1.1 में करना है, मैं 1.2 में ही रहने देती हूँ। सो इसको ओके कर देना है। देन अपने को यहाँ पे एक, हम लोग यहाँ पे एक
फोल्डर बना देंगे डेस्कटॉप पे, जिसमें लिखेंगे हम लोग ऑल रिपोर्ट्स के नाम से। उसमें हम लोग अपनी सभी रिपोर्ट्स सेव करेंगे। सो हमारी ये सिविल रिपोर्ट है, उसके सामने मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ, पॉइंट सिविल रिपोर्ट्स। सो हमारी ये पॉइंट सिविल रिपोर्ट यहाँ पे सेव कर देंगे। सो हमारी जो पॉइंट रिपोर्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे सेव हो गई है और जनरेट हो गई है। ये देखिए योर कंपनी नेम 123 मेन स्ट्रीम, हम लोग अगर कंपनी नेम डालते हैं तो वो नेम भी आ जाता है। पॉइंट रिपोर्ट जनरेट हो गई है एक्सेल में। ओके अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, बस आपको पॉइंट्स चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे इनको सेलेक्ट कर देना है ये रोज को, देन उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपकी ये रिपोर्ट ऐसे जनरेट हो जाएगी। ओके सबसे पहला हमको आया था नंबर्स क्या थे हमारे, देन नॉर्थिंग हमने सिलेक्ट किया था जो पॉइंट फॉर्मेट था वहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थिंग सिलेक्ट किया था सबसे पहले PNEZD फाइल में किया था, तो हमारा नॉर्थिंग आ गया पहले मीटर में हम लोग सिलेक्ट किए थे, देन ईस्टिंग आ गया, एलिवेशंस आ गया, या हम लोगों ने कोड्स डाले थे ईजी सरफेस डिस्क्रिप्शन में, तो वो हमारा जनरेट हो गया है। सो ये थी हमारी पॉइंट रिपोर्ट। देन उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे इसमें सरफेस रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। हमको इसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट्स पे हमको सरफेस जनरेट करना होगा, तो सरफेस जनरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे सरफेस पे जाके, टूल स्पेस में भी सरफेस में जाके कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस का ऑप्शन आता है ये भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग हमारा जो ये होम टैब है उसमें सेकेंड ऑप्शन में क्रिएट ग्राउंड डेटा में सरफेस करके है, तो क्रिएट सरफेस पे जाके हम लोग, ये हमारा क्रिएट सरफेस का डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया है, यहाँ पे हम लोग नाम प्रोवाइड कर देंगे उसको, नेम सरफेस ईजी सरफेस प्रोवाइड करती हूँ, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। ओके एंड अगर आपको यहाँ से कंटूरिंग चेंज करना है तो आप कंटूरिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कंटूर एंड ट्रायंगल्स ले लेती हूँ। ओके देन उसके बाद इसको एक बार और ओके कर देना है, ये आपको सरफेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सरफेस हम लोगों ने जनरेट कर दिया है, सरफेस को नेम प्रोवाइड किया हम लोगों ने, डाला नहीं है उसमें, तो सरफेस यहाँ पे हम लोग टूल स्पेस में जाके यहाँ पे सरफेस करके एक फोल्डर है वहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना, हम लोगों ने ईजी सरफेस बनाया था उसमें तीन ऑप्शन है मास वाटरशेड डेफिनेशंस, सो डेफिनेशंस में जाके हमको पॉइंट ग्रुप में क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ऐड करना है हमको पॉइंट्स या फिर ऑल पॉइंट्स, हम लोगों ने जो भी दिए है वो पॉइंट्स पे भी जाके कर सकते हैं या फिर ऑल पॉइंट्स में भी जाके अप्लाई एंड ओके। सो हमारा ये सरफेस जनरेट हो गया है। अगर आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपको अगर नहीं रखना है, ये पॉइंट को हाइड करना है, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंट कैसे हाइड करते हैं। सो यहाँ पे टूल स्पेस में जाके पॉइंट्स में जाके आपको सिलेक्ट पॉइंट कर देना है, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। ओके देन पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे मेन्यू स्पेस में मेन्यू बार में आपको पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, तो पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन टैब में पॉइंट्स है, नेम पहले उसका पॉइंट्स को पॉइंट्स नेम दिए हमने, डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट स्टाइल पॉइंट स्टाइल में जाना है, तो पॉइंट स्टाइल में अपने को यहाँ पे बेसिक दिया है, देन यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन आता है, तो एडिट में जाके हमारा ये पॉइंट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बेसिक करके। बेसिक हम लोगों ने रखा था इंफॉर्मेशन मार्कर 3D ज्योमेट्री, देन डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके हमको मार्कर एंड लेबल को ऑफ कर देना है, तो हमारा जो पॉइंट है वो हमको नहीं दिखेंगे फिर वहाँ पे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ओके देन उसके बाद हमको अभी हमारा ये जो सरफेस है वो क्रिएट हो गया है, उसको हमको सरफेस रिपोर्ट क्रिएट करना है हमको। सो सरफेस प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको इसके सरफेस स्टाइल चेंज कर देती हूँ, एलिवेशन बॉन्डिंग कर सकते हैं हम लोग,
या फिर इलेवेशन मॉर्निंग इन 10 मीटर इंटरवल, ये कर देती हूँ। ओके देन उसके बाद यहाँ पे हमको इसकी सिविल रिपोर्ट जनरेट करना है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे हमारा प्रोस्पेक्टर सेटिंग सर्वे एंड टूल बॉक्स में जाना है हमको। टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट मैनेजर पे क्लिक करना, सरफेस में जाना है हम लोग, तभी पॉइंट्स की रिपोर्ट क्रिएट करनी थी इसलिए पॉइंट्स में गए थे, अभी सरफेस की रिपोर्ट क्रिएट करना है तो सरफेस में जाएंगे। देन सरफेस रिपोर्ट में क्लिक करना, उस पर राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है हमको। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई लैंड एक्सएमएल वर्जन 1.2 ही रख देती हूँ, ओके कर देना है हमको। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे, इसके सामने मैं सरफेस रिपोर्ट लिख देती हूँ, ठीक है, देन सेव इट। ये हमारी सरफेस रिपोर्ट जनरेट हो गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी एक्सेल के इसमें सरफेस रिपोर्ट जनरेट हो गई। अगर आपको ये योर कंपनी नेम वगैरह, ये रिपोर्ट नेम वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ तक रिमूव कर रही हूँ इसको, देन आप यहाँ पे देख सकते हो लीनियर यूनिट, हम लोगों ने मीटर में लीनियर यूनिट लिया था, एरिया यूनिट हमारा मीटर में था तो ऑब्वियसली उसका एरिया स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, वॉल्यूम इसका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ईजी सरफेस लिया था हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन था हमारा एरिया 2D, जो हमारा एरिया है वो 7255.679 का है। इलेवेशन मैक्सिमम इलेवेशन कितना है, मिनिमम इलेवेशन कितना है, पॉइंट नंबर कितने हैं, 30 पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, उसमें कंटूर एंड ट्रायंगल्स लिए थे हम लोगों ने तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 45। तो ये हो गई हमारी सरफेस रिपोर्ट। ओके सो अभी हम लोग इसमें जनरेट करेंगे अलाइनमेंट रिपोर्ट, कैसे जनरेट करते हैं। मैं इसका कंटूरिंग चेंज कर देती हूँ सो दैट इसमें आप लोग अलाइनमेंट बना सकते हो इजीली। मैं इसको बस बॉर्डर रख देती हूँ। ओके सो लेट मी स्टार्ट इट। एंड ये हमारा होम, अभी हमको सिविल अलाइनमेंट रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए हमको होम टैब में जाकर हमारा ये क्रिएट ग्राउंड डेटा, देन उसके बाद हमारा सेकंड टैब है यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन। क्रिएट डिज़ाइन में सबसे ऊपर में सेकंड कॉलम में सबसे ऊपर में हमारा अलाइनमेंट करके अलाइनमेंट क्रिएशन टूल में जाना है हमको। यहाँ पे ये हमारा क्रिएट अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, उसमें हमको नेम चेंज कर देना है अलाइनमेंट। ओके अलाइनमेंट में अलाइनमेंट 1 लिख देती हूँ यहाँ पे। देन आपको कौन सा टाइप चाहिए, उसका सेंटर लाइन चाहिए, ऑफसेट चाहिए, कर्व चाहिए, कर्व रिटर्न चाहिए, रेल चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। मैं सेंटर लाइन ले रही हूँ, यहाँ पे मैं रोड अलाइनमेंट ले लेती हूँ डिस्क्रिप्शन में। देन अगर हमको कोई एग्जिस्टिंग को पकड़ के प्रपोज्ड अलाइनमेंट बनानी है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग का लास्ट जो स्टेशन है वो डाल सकते हो, उससे ज्वाइन होकर आपके अलाइनमेंट तैयार हो जाएगी। देन यहाँ पे सबसे नीचे हमारा जनरल में साइड नेम, आपको अगर नेम प्रोवाइड करना है तो आप नेम दे सकते हो, मैं वैसे ही रहने देती हूँ। अलाइनमेंट स्टाइल प्रपोज्ड चाहिए, प्रपोज्ड बना रहे हो तो प्रपोज्ड, लेआउट डालना है तो आपको लेआउट डाल सकते हो, ऑफसेट बेसिक एग्जिस्टिंग जो भी आपकी जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो वहाँ पे, मैं प्रपोज डाल रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे लेयर्स है, अलाइनमेंट लेबल सेट मैं यहाँ पे ऑल लेबल्स पे देती हूँ, क्रिएट कर रही हूँ अलाइनमेंट। ओके सो हमारा ये अलाइनमेंट लेआउट टूल बॉक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे हमको कर्व एंड स्पायरल सेटिंग में जाकर स्पायरल और स्पायरल मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग टाइप भी चेंज कर सकते हैं उसका, मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं, सो होप यू रिमेम्बर दैट। एंड मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल बना रही हूँ इसलिए क्लोथाइड ले लेती हूँ। ओके देन उसके बाद टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व बनाती हूँ मैं अलाइनमेंट, मैं ऐसे अलाइनमेंट बना रही हूँ। सो ये हमारी अलाइनमेंट तैयार हो गई है। इसका मैं साइज कम कर देती हूँ स्केल, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप ये अलाइनमेंट तैयार हो गई है मेरी।
अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाकर उसको मैम ऑब्जेक्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ उसका, ताकि आपको बराबर दिखे वो। ओके सो अभी हम लोगों ने अलाइनमेंट क्रिएट कर दी है, हमको इसकी अलाइनमेंट की सिविल रिपोर्ट जनरेट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाकर यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट में क्लिक करना है, देन अलाइनमेंट के कर्व की रिपोर्ट चाहिए आपको, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट कर्व रिपोर्ट चाहिए, अलाइनमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया वेरिफिकेशन चाहिए, जनरल लीगल डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, जो भी चाहिए पीए स्टेशन पॉइंट की रिपोर्ट चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं अलाइनमेंट कर्व की रिपोर्ट जनरेट करके दिखाती हूँ आपको, इस पर क्लिक करना है, एग्जीक्यूट करना है उसको, देन उसका स्पेसिफाइड लैंड एक्सएमएल वर्जन को एक्सपोर्ट, ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, देन उसको ओके कर देना है। ओके मैं यहाँ पे सामने लिख रही हूँ अलाइनमेंट कर्व रिपोर्ट, कर्व रिपोर्ट। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलाइनमेंट कर्व रिपोर्ट जनरेट हो गई है, ये वाला मैं डिलीट कर देती हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट कर्व रिपोर्ट में क्लाइंट कंपनी प्रोजेक्ट नेम दिया था मैंने, देन उसके बाद अलाइनमेंट वन नाम दिया था, रोड अलाइनमेंट करके डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उसमें हम लोगों ने टेंजेंट डेटा लिया था, तो जो भी हम लोगों ने लेंथ था उसका वो लेंथ आ गई है, कोर्स उसका जो डिग्री मिनट्स में जो भी रहेगा वो कोर्स कौन से साइड में है, साउथ वेस्ट में है, तो वो दिखेगा हमको यहाँ पे, हमको इसकी अलाइनमेंट की रिपोर्ट जनरेट हो गई है हमारी। ओके सो होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।